हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं शेयर करने जा रही हूँ कुछ एसईओ रिलेटेड टॉपिक जो कि बहुत ही यूजफुल है और ये जानना बहुत ही ज़रूरी है फॉर बेसिक एसईओ। ये बिगिनर्स के लिए है और आगे आगे और भी वीडियो में लाता रहूँगा रिगार्डिंग एसईओ। तो इस वीडियो का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है व्हाट इज TLD। TLD का फुल फॉर्म है टॉप लेवल डोमेन। जो डोमेन एक्सटेंशन मेरा पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था, ज़रूर देख लीजिए। वो एक्सटेंशन जिसे कहते हैं डोमेन एक्सटेंशन, मैंने वहाँ पे कहा है, तो वो एक्सटेंशन को डिनोट करता है ये टॉप लेवल डोमेन है या TLDS है। तो TLDS मैं नेक्स्ट समझा रही हूँ, ये पहले समझिए कि .com जो है एक कॉमर्शियल वेबसाइट जो इंटरनेशनल है, जिसका वैल्यू सबसे ज़्यादा है, TLD बोलते हैं। .org ऑर्गेनाइजेशन साइट को मेंशन करता है ये, .gov गवर्नमेंटल साइट को मेंशन करता है, .edu एडुकेशनल इंस्टीट्यूशन को मेंशन करता है। तो आप बहुत सारे वेबसाइट में ऐसे देखे होंगे .com .edu .org ऐसे करके, तो इसको बोलते हैं टॉप लेवल डोमेन। ये सब जो एक्सटेंशंस है इनको बोलते हैं टॉप लेवल डोमेन, जिसकी बहुत ही हाई वैल्यू है और ये इंटरनेशनल एक्सटेंशन है जो कि कोई भी कंट्री स्पेसिफिक नहीं है। एनी कंट्री से ये डोमेन एक्सेस कर पा सकते हैं आप। .com इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके बाद .org .edu ये सब भी TLD के अंडर में पड़ता है। तो नेक्स्ट चलिए, क्या है TLDS? कंट्री कोड डोमेन, मतलब एक स्पेसिफिक जगह की डोमेन। जैसे कि आपने बहुत सारे वेबसाइट में देखा होगा कि मानिए www.abcd.in, ये IN क्या होता है, IN डिनोट करता है इंडिया को, .uk UK किसको करते हैं, यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड को, ऑस्ट्रेलिया .au AU मतलब ऑस्ट्रेलिया। तो अगर आपको पहचान होगा कि कंट्री कोड डोमेन क्या है, LTDS क्या है, तो आपको पता चल जाएगा देखने के बाद ही कि .uk कहाँ का डोमेन है, .au कहाँ का है। तो मानिए आप अब बोलोगे इसका फायदा क्या है जानने में, मानिए कि आप कुछ सर्च कर रहे हो कि SEO कोर्स ऐसे करके कुछ सर्च कर रहे हो, या आपको गिटार सीखना है तो गिटार टीचिंग या गिटार कोर्स इंस्टीट्यूट या पर्सनल गिटार ट्रेनर ऐसे करके कुछ सर्च करो, तो आपके सामने बहुत सारा वेबसाइट आ गया, गूगल आपको दिखा दिया। तो अगर आपको पता ही नहीं कि .uk का मतलब क्या है, .au का मतलब क्या है, .in का मतलब क्या है, तो आप कैसे जानोगे कि वेबसाइट इंडिया का है, आपके आसपास का है या फिर फॉरेन का है। तो अगर आप अब आपको पता चल गया इस वीडियो देखने के बाद कि .uk अगर बोल रहा है और आप इंडिया में कहीं जगह हो, तो मतलब नहीं है उसको खोल के देखने की उस वेबसाइट को, या .au बोल रहा है तो मतलब नहीं है। .in में जो है उसमें आपको सर्च करना पड़ेगा कि इंडिया के वेबसाइट है। अब आपको आपके लोकेशन वाइज आपको देख लेना पड़ेगा कि कहाँ से है। तो ये है TLDS, याद रखिए। नेक्स्ट जो आता है, आज का वीडियो यही पे ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी आने वाला है, कल मैं पब्लिश करूँगी इसके नेक्स्ट लेवल जो है उसके ऊपर। और जो जो मैंने पिछले वीडियो में बोला था ज़रूर देख लीजिए, इसका कॉन्टिन्यूशन पार्ट है। और आप लोग अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए मेरे वीडियो, और सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ बेल आइकन में क्लिक कीजिए तो न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। तो हैव ए वेरी वेरी नाइस डे दोस्तों, एंड बहुत अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए एंड एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच।